नमः शिवाय। सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्धि सुरासुर वंदित लिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम। सभी प्रकार के पदार्थों से जिसका लेपन होता है, जो अध्यात्म बुद्धि विवेक का उत्थापन करने वाला है, जो सदैव सुगंध में सुलेपित बुद्धिवर्धक शुद्धि सुरों असुरों द्वारा पूजित है, वही शिवलिंग शिव का ही रूप है। भगवान शिव के बिना संसार की कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और उनके रास्ते में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग को रखना वर्जित होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ नियमों के साथ अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य है, उनका पूजा अभिषेक करना अनिवार्य है, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इन कुछ नियमों के साथ आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित अवश्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं विधि विधान के साथ आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप शिवलिंग को पूजा के स्थान पर रखें। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। थोड़ा सा गोमूत्र डालें। फिर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। गुलाब का इत्र डालें। रोली लगाएं। केसर का तिलक लगाएं। कपूर का दीपक जलाएं। रुद्राक्ष को शिवलिंग के पास रखें। अगर आप इसी तरीके से अपने घर में शिवलिंग को स्थापित करना चाहते हैं तो दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंग कवच को अपने घर में स्थापित करें। दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंग कवच में आपको वो सारी सामग्री दी जाती है जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी आपके घर से हमेशा के लिए दूर चली जाती है। और इसमें दिए गए दोनों लॉकेट को, जो एक मंत्रों से अभिमंत्रित है, दूसरे में आपको शिव की प्रतिमा मिलती है, और अंगूठी को आप शिव के पास रखें। और जब ये स्थापना संपूर्ण हो जाए तो अंगूठी और दिए गए लॉकेट को आप विश्वास के साथ धारण करें। इसे महान पंडितों ने शुद्ध मंत्रों के साथ बनाया है जिससे आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आपका मन शांत रहता है। इसकी शक्तियाँ आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, आपके रिश्तों में हमेशा मधुरता बनी रहती है और आपके घर में सुख और शांति का वास होता है। दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंग कवच को इसलिए बनाया गया है ताकि लोग आसानी से शिव जी की कृपा और उनका आशीर्वाद पा सकें और खुद को और अपने घर को नेगेटिविटी से दूर रख सकें। मैंने अपने घर में दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंग कवच की स्थापना की है, आप भी इसकी स्थापना कर सकते हैं और खुद को और अपने परिवार को नेगेटिविटी से दूर रख सकते हैं। ये कवच आपको बुरी नज़र से बचाता है और आपके परिवार की रक्षा करता है। इसमें दी गई हर चीज़ का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ये छोटा सा यंत्र आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने की शक्ति रखता है। महान पंडितों द्वारा शुभ मंत्रों के साथ अभिमंत्रित किया हुआ शिव दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंग कवच मंगवाने के लिए अभी दिए गए नंबरों पर कॉल करें।